हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट और रियल जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दोस्तों जो पहले ऑनलाइन होनी थी, लेकिन पुलिस उसमें विफल हो गई, फर्जीवाड़े के कारण लापरवाही कर रही है। अब ऑनलाइन में भी फेल ऑफलाइन में भी फेल हो गई है, तो अब क्या करें दोस्तों। ये प्रशासन है वो सबसे ख़राब है यहाँ का। इधर रेट में, इधर सब, कोई भर्ती सफल नहीं हो पा रही है, कोई भी पेपर सफल नहीं हो पा रहा है, सभी की मेहनत बेकार जा रही है। तो आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, दूसरी पारी का पेपर था वो 15 तारीख को, 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था दूसरी पारी का पेपर, वो पहली बारी पारी में ही बांट दिया गया, जिसके कारण पेपर लीक हो गया। जो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर फैल गया दोस्तों। तो दोस्तों DGP ने तो इसको इनकार कर दिया है। तो इसके आज की रिपोर्ट जो अखबार में आपने देख ली होगी, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल होने के 4 माह बाद 14 और 15 जुलाई को आयोजित कांस्टेबल भर्ती की ऑफलाइन परीक्षा में भी पुलिस मुख्यालय व TCS कंपनी से फिर चूक हो गई। कोटा, बारा, जयपुर, अजमेर व अलवर सहित कई शहरों में रविवार को दूसरी पारी में बांटा गया। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 घंटे पहले ही पहली पारी में वितरित कर दिया गया दोस्तों, जिससे ये पेपर है वो वायरल हो गया। जब अभ्यर्थी पेपर को लीक बताते हुए पिछले 5 दिन से लगातार पुलिस मुख्यालय में IG प्रशाखा माथुर, ADG राजीव शर्मा और DGP OP गल्होत्रा तक रोज़ पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा दोस्तों। ये हमारे सभी अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। DGP ने पेपर लीक होने से इनकार कर दिया। दोनों प्रश्न पत्रों के कोड अलग थे, लेकिन प्रश्न समान थे। हालांकि प्रश्नों का क्रम अलग अलग था। तो DGP ने क्या, DGP OP गल्होत्रा ने बताया, मैं व्यस्त हूँ, कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, मैं थोड़ा व्यस्त था, IG भर्ती से बात करो। तो ADG साहब क्या बोल रहे हैं, IG से पूछो, और DGP कह रहे हैं ADG से पूछो, और IG क्या कह रहे हैं, IG साहब कह रहे हैं भर्ती प्रशाखा माथुर ने में व्यस्त होने के कारण कहकर मिलने से मना कर दिया, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं दोस्तों। कांस्टेबल 13,142 पदों के लिए 15 लाख में आवेदन किए थे और दोनों दिन करीब लगभग 11.5 लाख युवकों ने परीक्षा दी। मार्च में यह परीक्षा ऑनलाइन थी, लेकिन नकल के कारण निरस्त हो गई और अब 14 और 15 जुलाई को फिर से दोबारा ऑफलाइन आयोजित की गई। लेकिन फिर भी इसमें पुलिस प्रशासन और किसी के लापरवाही के कारण ये सफल नहीं हो पाई दोस्तों। तो आज की खबर तो यही है दोस्तों। अभी तक कोई रद्द की खबर है पता नहीं, यदि खबर रद्द पुलिस भर्ती रद्द होती है तो 14 जुलाई वाले विद्यार्थियों को, मतलब अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को कोई भी डरने की बात नहीं है। पूरा भर्ती कैंसिल तो होने वाली नहीं है, क्योंकि अब चुनावी माहौल है और भर्ती पूर्ण करवाना सरकार की जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी। और तो यदि संकट है तो 15 जुलाई वालों को है, 15 जुलाई वालों का पेपर दोबारा हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।